हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रॉकेट और अनार के अंदर आखिर में होता क्या है और आखिर में रॉकेट इतने ऊपर तक जाता क्या है, इसके अंदर का राज क्या है। तो आज हम इन दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें एक ये डंडी लगी हुई है, इसके ऊपर ये कुछ पेपर टाइप का इसमें चढ़ा हुआ है और आप देख सकते हो आगे एक कॉन टाइप की रेड कलर की टोपी लगी हुई है और बाकी इसमें एक कवर्ड है इसमें पूरा। तो इसको सबसे पहले हम कटर के यूज से इसको हम पूरा काटेंगे। इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे बाहर। तो फ्रेंड्स, आपको इसके अंदर दिख रहा होगा इसके अंदर दो फटाके लगे हुए, बम लगे हुए हैं दो, तो इन बम को हम निकाल लेंगे अच्छी तरह से। इसको हम डबल शॉट रॉकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि तो इसमें ये दो फटाके लगे हुए होते हैं जो ऊपर जाके फटते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ बारूद दिख रही है, तो हम इसको काटेंगे कि ये अंदर से कैसा दिखता है। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं ये एक बम्बे के जैसा दिख रहा है, यदि हम इसको सीधा खड़ा कर दें तो एक बम्बे के जैसे दिखेगा। तो इसको हम काटेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या है आखिर। यदि आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको ब्लेड से भी काट सकते हैं, जिसको मारी बोलते हैं आप उससे। इसे आसानी से काट कर आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर आखिर में है क्या। तो हम इसको काटेंगे। बहुत ही कड़क है ये जो भी है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक बारूद भरी हुई है अभी। हालांकि ये पूरा तो नहीं कटा है पर देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दिख रहा है, एक सेल जैसा दिख रहा है, जो हमारा पेंसिल सेल होता है उस टाइप का कुछ ये दिख रहा है। और इसमें बहुत सारी बारूद की कोटिंग है इसके अंदर, बहुत कड़क है इसके अंदर जो भी भरा हुआ है। वैसे तो ये कोयला जैसा दिख रहा है, हम देखते हैं इसको काट के कि और क्या है इसके अंदर। माय गॉड, ये क्या है इसके अंदर। इसके अंदर तो एकदम कोयला जैसा ये लग रहा है, आप देख सकते हैं। बस इसी के अंदर यही होता है जो इसको ऊपर जाने में मदद करता है, ये देख सकते हैं चारकोल टाइप का कुछ है। तो फ्रेंड, बस इसमें इतना ही था कि एक रैपर टाइप का था पुष्टे का गोल, उसके अंदर ये ब्लैक कलर का बारूद भरा हुआ था और ये दो फटाके लगे हुए थे। इसमें क्या होता है, जब भी रॉकेट ऊपर जाता है तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये जैसे ही ऊपर जाता है तो इसमें जो आग नीचे से जलती है वो ऊपर तक इन फटाकों तक आती है। जब रॉकेट ऊपर पहुंच जाता है तो दोनों एक के बाद एक फट जाते हैं, तो इसलिए इसको हम डबल शॉट रॉकेट कहते हैं। और सबसे मेन कारण ये, जितना बड़ा आपका रॉकेट रहेगा उतनी बड़ी इसकी डंडी रहेगी। ये आप देख सकते हैं सिंपल लकड़ी की डंडी बनाई गई है और इसके ऊपर गिफ्ट पेपर लगा दिया है इन्होंने। तो कुछ इस टाइप का रॉकेट की अनबॉक्सिंग थी, कुछ इस तरीके से था। और इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो बत्ती है, ये बटर पेपर और हमारा जो धागा होता है उसके ऊपर बारूद की कोटिंग करके बनाई जाती है। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं कि इस अनार के अंदर आखिर होता क्या है जो इतना ये शानदार जलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको कटर की सहायता से पीछे का जो एरिया है उसको हम काटेंगे। तो ये तो बहुत आसानी से कट गया है, ये सिंपल एक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड इसको पीछे गोल काट के लगा दिया गया है।
इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मिट्टी भरी हुई है, ये कुछ इस टाइप की है। तो इसमें ये मिट्टी की कोटिंग फ्रेंड्स इसलिए कर देते हैं, यदि सिंपल एक कार्डबोर्ड लगाएंगे तो जो हमारा बारूद जलेगा वो नीचे से भी अनार चलने लगेगा, तो अनार अच्छी तरह से चल नहीं पाएगा, इसलिए ये मिट्टी लगा दी जाती है। उसके बाद हम इसको ऊपर से ओपन करेंगे, इसको बीचों बीच काटेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी बारूद निकली है। ये बारूद कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल चमकीली बारूद होती है। जैसे आप कोई भी फटाखे के लिए आप बारूद निकालते हो तो उसके अंदर एक सिंपल सी बारूद होती है जो चमकती नहीं है, बट ये चमकने वाली बारूद होती है। इसलिए जब भी अनारदाना अपना चलता है तो उसमें बहुत शानदार चमकती हुई आग निकलती है बहुत स्पीड से। तो फ्रेंड्स इसमें और कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये फायरवर्क हैं सिवा काशी से बनकर आते हैं, तो ये तो पता नहीं है मुझको कहाँ पे, बट ऐसा कुछ है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो ये पूरा पुष्टि का यानी पुष्टि की कौन बनाई जाती है, कौन के अंदर फिर इसमें बारूद भरी जाती है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी रॉकेट की बारूद निकली थी और ये अनार की बारूद निकली थी, अब हम इसको जला के देखेंगे कि आखिर होता क्या है, क्योंकि हम इन दोनों बारूदों को एक साथ जला रहे हैं तो हो सकता है ये फट भी सकती है या बहुत तेज जलेगी, तो अब देखते हैं होता क्या, मुझको तो अभी पता नहीं है। और फ्रेंड्स यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप मेरे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत ना जाएं। और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, वो सुतली बम के ऊपर बनी हुई है, तो हम देखेंगे इस बारूद का होता क्या है।